फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब एरेज टू। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में एक के वैल्यू दी हुई है। हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है, एक एन माइनस के प्लस वन इस साइज का एरे रिटर्न करना है। उसकी वैल्यू क्या होगी, पावर ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ नम्स ऑफ साइज के। हमें के साइज के सब एरेज लेने हैं और उस सब एरे की जो पावर है वो स्टोर करनी है। क्योंकि हमारा साइज फिक्स है तो टोटल हमारे एन माइनस के प्लस वन इतने सब एरेज होंगे और यही हमारे आंसर एरे का साइज है। हर एक इंडेक्स पर क्या स्टोर करना है, हमें उस सब एरे की पावर। और पावर की उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है कि अगर जो सब एरे आप पिक कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 एक एक गैप पर सारे एलिमेंट्स हैं और स्टार्टिंग एलिमेंट के बाद आपका प्लस वन प्लस वन प्लस वन इस तरह से सारे एलिमेंट्स हैं। आपके सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे प्लस वन इस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट, जो भी सब एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है ऑब्वियसली कौन सा होगा, जो हमारे सब एरे का लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर है। तो 4 5 6 7 इस तरह से होने चाहिए। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, जो हमारा उस सब एरे का लास्ट एलिमेंट होगा, तब तो हमें वो स्टोर करना है। लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव नहीं है, इस तरह से ऑर्डर में नहीं है, तो हमें माइनस वन स्टोर करना है। हमें एक एरे दिया है, एक के वैल्यू दिया है, हमें के साइज के सब एरेज कंसिडर करने हैं। के साइज के सब एरेज कितने होंगे, एन माइनस के प्लस वन कितने सब एरेज होंगे। जैसे अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हमारे 7 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि टोटल 5 सब एरे होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 5 ये 5 हमारे सब एरेज होंगे। अब अगर हम इनमें पहला सब एरे देखें 1 2 3 ये हमारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 3, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर सेकंड देखें 2 3 4 कंसेक्यूटिव है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 4, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर 3 4 3 इसमें 3 4 तो कंसेक्यूटिव है लेकिन उसके बाद ये 3 कंसेक्यूटिव नहीं है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, तो ये हमारा कंसेक्यूटिव एरे नहीं है, तो हमें माइनस वन स्टोर करना है। फिर अगला देखें 4 3 2 ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो अगेन हमें माइनस वन स्टोर करना है। फिर 3 2 5 ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो हमें माइनस वन स्टोर करना है। अब हमारे सारे सब एरे स्कैन हो गए तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर रिटर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे टोटल 8 एलिमेंट्स है, 0 to 7 टोटल 8 एलिमेंट्स है, तो हमारे 8 माइनस 3 के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने यहाँ पर 3 कंसीडर किया, तो 8 माइनस 3 प्लस 1 6 सब एरेज होंगे। वो 6 सब एरेज कहाँ से है, पहला हमारा सब एरे जब के एलिमेंट्स हमारे स्कैन हो जाएंगे तब आएगा, फिर हर बार हर एक एलिमेंट के लिए एक एक आता जाएगा। तो यहां तक के हमारे एलिमेंट कितने थे, के माइनस वन, तो अगर हम इस पूरे में से ये पोर्शन को हटाए तो हमारा क्या होगा, एन माइनस के माइनस वन, इसी को एक्सपेंड करें तो हमारा क्या आएगा, एन माइनस 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 का हो जाएगा प्लस एन माइनस के प्लस वन, इतने हमारे सब एरेज होंगे। तो बेसिकली हमें जब तक के एलिमेंट्स नहीं आ जाते तब तक रिजल्ट को स्टोर करना शुरू नहीं करना है, जैसे ही के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमें रिजल्ट को स्टोर करना शुरू करना है और लास्ट सब एरे तक हमें रिजल्ट को स्टोर करना है। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर 1 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है, हमारी कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर हमें रिजल्ट स्टोर करना है कि हमारे सारे के सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें लास्ट एलिमेंट ये स्टोर करना है। तो अगर हम लूप लगाकर ये चेक कर लेंगे कितने कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, कैसे चेक करेंगे, स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट उससे प्लस वन होना चाहिए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इससे प्लस वन होना चाहिए। अगर इस तरह से तो हमारे सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है और जो लास्ट एलिमेंट आया वो हम स्टोर कर लेंगे। फिर हमारी विंडो मूव करेगी 2 3 4 ये हमारा नेक्स्ट सब एरे होगा। अब अगर हम इसमें फिर से लूप लगाएं, एक तरीका तो क्या है, फिर से हम लूप लगाकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेक करें कि हमारे कंसेक्यूटिव सब एरे बन रहे या नहीं बन रहे, तो इससे हमारी टाइम वेस्ट क्या आएगी, एन इंटू के। लेकिन क्योंकि हमारी इस विंडो में केवल एक एलिमेंट बाहर जाएगा और एक एलिमेंट ऐड होगा, बीच के एलिमेंट तो हमारे सेम ही रहेंगे, तो हम इस के फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। हम बिना लूप लगाए ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो न्यू सब एरे बन रहा है वो कंसेक्यूटिव है या नहीं। कैसे, अगर मेरा पिछला सब एरे कंसेक्यूटिव था तो मेरा कंसेक्यूटिव अकाउंट कितना होगा, के इक्वल होगा और मेरे ये दोनों एलिमेंट कंसेक्यूटिव होंगे। अब अगर मेरे न्यू सब एरे को कंसेक्यूटिव होना है तो केवल मुझे लास्ट एलिमेंट को इससे 3 इससे कंपेयर करना है। अगर ये भी मेरे कंसेक्यूटिव है तो मेरा न्यू सब एरे भी कंसेक्यूटिव होगा, तो मैं डायरेक्टली जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी वो स्टोर कर सकता हूं। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर ये 3 और 4
ये दो सब एरे के लिए स्टोर कर लिया था, फिर मेरी विंडो मूव होकर यहां पर आई। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, अब मेरे ये कंजुक्यूटिव नहीं है, यानी कि मुझे यहां पर तो माइनस वन स्टोर करना है। लेकिन मेरा कंजुक्यूटिव काउंट अब क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि ये मेरे कंजुक्यूटिव नहीं है, तो मेरा इसकी बाद वाली विंडो के लिए, जैसे यहां पर तो मैंने माइनस वन स्टोर कर लिया, फिर मेरी विंडो वन से मूव होगी, अभी भी ये दोनों एलिमेंट रहेंगे, तो यानी कि मेरा कंजुक्यूटिव एलिमेंट का काउंट वन हो जाएगा। वन किसके लिए, केवल इसके लिए कि यहां तक मेरे कोई भी कंजुक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं है। फिर जब मेरी ये विंडो आएगी 4 3 4, अब इसमें मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ये दोनों कंजुक्यूटिव है तो मेरा कंजुक्यूटिव काउंट कितना हो जाएगा, 2। लेकिन मेरा अभी कंजुक्यूटिव काउंट k से कम है, तो यहां पर भी मेरा माइनस वन ही स्टोर होगा। फिर मेरी विंडो मूव होगी यहां पर 3 4 5, मैं लास्ट को इससे कंपेयर करूंगा, कंजुक्यूटिव है तो मेरा कंजुक्यूटिव काउंट कितना हो जाएगा, 3, और ये k के इक्वल आ गया, यानी कि ये मेरा एक वैलिड एरे है, तो मुझे इसकी मैक्सिमम एलिमेंट 5 स्टोर कर लेना है। फिर जब मेरा मूव होगा 4 5 2 4 5 को कंपेयर करूंगा, मेरा कंजुक्यूटिव नहीं है, तो अगेन मेरा कंजुक्यूटिव रीसेट होके 1 हो जाएगा, और यहां पर मैं माइनस वन स्टोर कर लूंगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली वन बाय वन एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम यहां से शुरू कर रहे हैं, फिर वन बाय वन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम करंट और पिछले एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये कंजुक्यूटिव है तो कंजुक्यूटिव काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं कि हमारा कंजुक्यूटिव काउंट प्लस प्लस हो गया, अगर वो के इक्वल या उससे ग्रेटर है, यानी कि हमारा एक वैलिड सब एरे बन रहा है जिसमें सारे एलिमेंट्स कंजुक्यूटिव है, तो हमें उसमें लास्ट एलिमेंट जो हमने स्कैन किया वो स्टोर कर लेना है। अगर हमारा कंजुक्यूटिव काउंट k से छोटा है तो हमें माइनस वन स्टोर कर लेना है। अब इसमें एक एज केस, हम क्या कर रहे हैं, हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और फिर हमारे कंजुक्यूटिव काउंट को अपडेट कर रहे हैं और फिर k से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा के ही वन हो, के ही वन होगा तो एन माइनस वन प्लस वन, एन साइज का हमारा आंसर बनेगा, एन साइज का हमारा आंसर सब एरे होगा, और हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे सब एरे का साइज कितना हो जाएगा, मिनिमम 2 हो ही जाएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करो, जब आपका के साइज 1 है, यानी कि हर एक एलिमेंट आपका वैलिड सब एरे है, हर एक एलिमेंट आपका वैलिड सब एरे है, और क्योंकि केवल सिंगल एलिमेंट ही होगा आपके सब एरे में, तो वो अपने आप में कंजुक्यूटिव होगा ही होगा। हमारे कंजुक्यूटिव डेफिनेशन क्या थी कि 4 5 6 7 इस तरह से होनी चाहिए। अब एलिमेंट ही सिंगल है तो बाय डिफॉल्ट वो कंजुक्यूटिव होगा ही होगा, और हमें स्टोर क्या करना होगा, वही एलिमेंट 4, जैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2। तो हमारा एक एज केस क्या बनेगा कि अगर हमारे k की वैल्यू 1 है तो हमें सिंपली जो हमारा नम सारे है वही रिटर्न कर देना है, अगर नहीं है तो हमें वन बाय वन एलिमेंट को स्कैन करना है, प्रीवियस से कंपेयर करना है, अगर कंजुक्यूटिव है तो हमें कंजुक्यूटिव काउंट को प्लस प्लस कर देना है, फिर उसको k से कंपेयर कर देना है, अगर छोटा है तो माइनस वन स्टोर कर दो, अगर इक्वल टू या बड़ा है कंजुक्यूटिव काउंट तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट स्कैन किया उसकी वैल्यू को स्टोर कर दो। सबसे पहले हमने कॉर्नर केस को हैंडल कर दिया कि अगर k1 है तो डायरेक्ट नम्स को ही रिटर्न कर दो, अदरवाइज हमने हमारा एल्गोरिथम लगाया। एल्गोरिथम हमारा क्या था कि हमें एन माइनस के प्लस वन इस साइज का एक एरे रिटर्न करना था, तो हमने एक आंसर वेक्टर ले लिया। फिर हमारा कंजुक्यूटिव का काउंट, हमारे जीरोथ एलिमेंट के लिए 1, हमने कंजुक्यूटिव का काउंट ले लिया, फिर 1 से लेकर हमने एन तक का लूप लगाया। हर बार हमें चेक क्या करना है कि क्या करंट एलिमेंट हमारा कंजुक्यूटिव है या नहीं है, तो हम नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, हमारे 4 5 6 7 ये कंजुक्यूटिव एलिमेंट से हम चेक कैसे करेंगे, ये 4 हमारा कंजुक्यूटिव है, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसको कंजुक्यूटिव होने के लिए क्या होना होगा, 4 प्लस 1 नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, फिर 6 को भी नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, अगर इसके इक्वल है तो सिंपली कंजुक्यूटिव प्लस प्लस कि एक और हमें कंजुक्यूटिव एलिमेंट मिल गया, अदरवाइज हमारा अकाउंट रिसेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर कंजुक्यूटिव अकाउंट रिसेट होके 1 हो जाएगा, अदरवाइज हमने इसको 1 सेट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना था कि हमारा ये काउंट अगर k से ज्यादा है तो हमारी ith वैल्यू ये स्टोर कर लो, अदरवाइज माइनस वन स्टोर कर लो, लेकिन हमें यह कब करना था, जब हमारे एटलीस्ट k एलिमेंट्स स्कैन हो जाए, तो यही चेक हमने यहाँ पर लगाया है कि हमारा i प्लस वन, i प्लस वन क्यों, क्योंकि हमारी i की इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है, इसलिए प्लस वन, अगर ये हमारा k के इक्वल या ग्रेटर है तो हमें रिजल्ट को स्टोर करना है, अगर इससे कम है तो हमने k एलिमेंट स्कैन नहीं किए तो अभी हमें रिजल्ट को स्टोर नहीं करना, और लास्ट में हम स्टोर्ड आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसमें हमने एक n साइज का लूप लगाया है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टाइम लिस्ट क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, और आंसर वेक्टर के अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।